गाइस टाइम हो रहा है रात के 2 बजे और यहाँ पे सब पैकिंग चल रही है मेरी। हम लोग जा रहे हैं एक न्यू ट्रिप पे, 6 बजे निकलेंगे। तो अभी के लिए तो बस पैकिंग ही कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा हैट्रिक दे था। निकलेंगे सुबह फिर मिलते हैं। बाय। हाँ पलम का अंदर चलना है। तो ये हमारा फर्स्ट होल। थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह घर से कुछ भी करके नहीं आए थे, जल्दी निकल गए थे। तो क्योंकि इस बार हम मतलब कितनी नए लोगों के साथ आए हैं तो थोड़ा सा अभी घुलने मिलने में टाइम लग रहा है, तो मैंने ब्लॉगिंग भी नहीं की सही बताऊँ तो। हम लोग साथ में रहेंगे, बैठेंगे, मिलेंगे जुलेंगे तो थोड़ा सा पता लगेगा। चलते हैं थोड़ा। तो देखिए ये पूरा ग्रुप है हमारा, सब लोग हैं। तो ये मैं अब इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ये है काव्या, ये हमारी भाभी, बड़ी भाभी, छोटी भाभी। इनको तो आप जानते ही हो। आपका क्या नाम है? गर। अच्छा हाँ गर। और आपका? ध्रुव। अरे दो दो ध्रुव। हाँ और आपका? सॉरी मानिका। चलो तो ये हमारा ग्रुप अब मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया। मैं तो खुद इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, मैंने आप लोगों के साथ ही इंट्रोड्यूस किया। तो अभी कुछ खाते हैं फिर मिलते हैं। ये आलू प्याज का है, ये प्याज का है, वो पनीर का है। उंगली आपकी भी दिखाऊं यार, सबको जूम कर दे पापा। हाय हाय। तो गाइस कॉफ़ी चल रही है लास्ट, हमारा खाना पीना हो चुका है। तो अब बस कॉफ़ी फिनिश होते ही ट्रैवल आगे शुरू। अच्छा था रेस्टोरेंट, ओके ओके था, शो अच्छी है, खाना भी ठीक था। ये देखो ये वाले पेड़ के लिए मैं सबसे पूछ रही हूँ कि किस चीज़ का फ्रूट्स लगे हुए हैं इस पे। और ना ये देखो ये मैंने तोड़ा भी है तो है, तो कुछ मीठा है वैसे, पर अभी माली से पूछते हैं कौन सा पेड़ किस चीज का। भैया मतलब खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, पर इसे खाने में नुकसान भी नहीं है। पर है क्या नाम? क्या मोरसिली है? मोरसिली, मोरसिली मतलब ऐसे ही है ये। जी जी। और मार रहे हैं तो अभी शिफ्टिंग हो गई है, सब लेडीज से इनके मत्थे पड़ गई है। और ध्रुव यहाँ आ गए। समझूंगी तुम्हारे ऊपर कुछ हो रही है। ये हरिद्वार जा रहे हो ना? तब ना आ रहे हमारा सेकंड टूर। गाइस मम्मी रास्ते में सो रही हैं और हम अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। यूं तो मैं भी अभी सो ही रहा था। तो गाइस डिसाइड हुआ है कि हैप्पी बर्थडे पे जा रहे हैं, जो कि मैं चाहती थी। तो पूना भैया दर्शन करेंगे, अच्छा लग रहा है। क्योंकि मुझे हमें जाना है एक्चुअली में देहरादून, तो हमें लगा था कि सीधा देहरादून ही जाएंगे, गंगा भैया के दर्शन नहीं करेंगे। बट फाइनली हम लोग जा रहे हैं। ये भैया गाड़ी चला रहे हैं क्या? अच्छा देख लो, दर्शन कर लो। तो गाइस प्लान चेंज हो गया हमारा। नहीं सीधा चलो, सीधा चलो, क्योंकि बहुत ज़्यादा जाम है, देखो पूरा पैक्ड है। तो फाइनली हम लोग आगे ही जा रहे हैं।
वही है, जिस टाइम पे जो चीज मिल रही हो ना उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, याद मैंने सीख ली है तो कभी आगे आगे का नहीं सोचूंगी, पहले उस पल को जी लूंगी बस, वो पीछे जी लेती तो जी लेती। तो गाइस देखो कितनी अच्छी लोकेशन पे हम लोग रुके हैं, और राजीव को मैं बोली थी, भैया ने एकदम गाड़ी रोक ली। तो ये तो अब यहाँ पे बनेगी रील, 1 2 3 4 कितनी भी तो भी बनाते हैं। तो गाइस अभी यहाँ से जा रहे हैं, 5-10 मिनट हो गया, फोटोज वगैरह हमने खींच ली है क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहे तो रील नहीं बन पाई है, बस एक स्लोमो शॉट लिया मैंने। तो अब हम बैठे, चलिए चलिए, पर बहुत सुंदर लग रहा है, पता नहीं वीडियो में इतना लग रहा है कि नहीं, पर बहुत सुंदर लग रहा है। ये पूरा अंदर जंगल है, हमारे भैया ने सांप ढूंढने की कोशिश की पर सांप नहीं दिखा था अभी, चल झूठे सांप दिखा था नहीं दिखा, अच्छा वो गाइस सांप नहीं दिखा, सांप की मौसी दिखी, बहुत छोटी होती है वो। गाइस अभी गर्व ने कहा कि वो ना वुडपेकर का बंगला है वो उधर, तो मैंने कहा वो सबसे अमीर खानदान के है ना। जल्दी बैठ जा, बहुत बढ़िया मजा आया, थैंक यू। तो मैं ही होड़ ना करूंगी, भैया को करूंगी। भाई साहब पूरा हरिद्वार बना हुआ है क्या, क्योंकि भाई